Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं. Students, इससे पहले के lesson में आपने देखा हमने एक map को 3D में convert किया, यानी कि हमने उसकी दीवारें बनाई. फिर उसके बाद उसमें हमने विंडो के लिए सबट्रैक्शन की, यानी कि उसके अंदर विंडो के लिए हमने विंडो के होल पॉइंट्स निकाले हैं, विंडो के सुराख निकाल दिए, वो पॉइंट्स बना दिए हैं. फिर हमने देखा उसके ऊपर हमने अपना छत लगाया है. अब नेक्स्ट वाले लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं भी आपका लेसन ले रहा हूँ, इससे मैं आपको बताऊंगा अब हम छत के ऊपर रेलिंग कैसे लगाएंगे. क्योंकि जब आपका कोई छत होगा उसके ऊपर डेफिनेटली आपको रेल वगैरह तो लगानी होगी. बहरहाल मेरा जो इधर मकसद है आपको तमाम आइडियाज क्लियर करने हैं एक दो लेसन के अंदर, यानी एक दो प्रोजेक्ट्स के अंदर. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना AutoCAD लेसन, वापस आ जाएं. अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये मेरा छत बना हुआ है. मैंने लास्ट टाइम पे ये छत बनाया था, अब मैं इस चीज के ऊपर रेलिंग लगाने जा रहा हूं. अब आपको अच्छी तरह याद हो, जब मैंने ये छत बनाया था तो मैंने इसके ऊपर ये एक फाइल अपने पास बनाई थी, यानी कि मैंने ये छत की ये वाली लाइनें उठाकर बाहर लाई थी. लाने के बाद वो लाइनें मेरे पास इस जगह पर आ चुकी है, देखें ये लाइनें हैं. फिर उसके बाद इनमें से मैंने एक को कॉपी किया, कॉपी करके मैं आगे लाया था. अब इसकी बेस से मैंने ये डिजाइन, ये देखें, ये आपके सामने मैंने इस डिजाइन को बनाया था. और डिजाइन बनाने के बाद जब पूरा ये बन गया, उठाकर मैं इसके लेकर चला गया था. तो स्टूडेंट्स, अब जो मेरा लेसन है, इस लेसन में मैं आपको इसके ऊपर रेलिंग लगाना बताऊंगा. अगर आपके पास यही छत है, फर्स्ट करो आपके पास यही सिंगल स्टोरी है और इसके ऊपर आप रेलिंग लगाना चाह रहे हो चारों तरफ, तो इसका तरीकेकार क्या होगा, मेथड क्या होगा. क्योंकि आपके पास देखें यहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे हैं और यहाँ पर आपके पास राउंड शेप जा रही है, फिर इस तरह से मुख्तलिफ आपके पास ये टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है, तो इसके ऊपर परफेक्ट रेल लगाने का तरीकेकार क्या है. तो मैं जो मेथड अप्लाई करूंगा वो मैं इसके चारों तरफ लगाऊंगा. लेकिन अगर आपको फ्रंट फ्रंट पे लगानी है तो जैसे अब मैं ये काम करूंगा आपका लॉजिक बन जाएगा, तो जस्ट फिर आप फ्रंट फ्रंट पे उसको ये चीजें रखिएगा तो फ्रंट फ्रंट पे लग जाएगी, ठीक है. लेकिन आपके पास ये चीज आपको याद होनी चाहिए, आपके पास इस चीज की मैप होना जरूरी था, यानी कि इसका ये मैप है मेरे पास, इसकी ये लाइनें मेरे पास होना जरूरी है छत की. उसके बाद ये जो आपने लगाई थी, ये जो आपने शेड बनाया था, अब इस शेड का साइज क्या था आपके पास, 18 इंच, और ये बाहर की जानब था. अब पिछला लेसन देखें से तो आप वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था और उसको बनाने के बाद मैंने इसको बाहर की जानब रखा है, अंदर की जानब नहीं रखा, यानी कि बाहर कितना था 18 इंच. तो मैं इसको सबसे पहला काम, मैं इसको उठाकर आगे ले आता हूं, मैं इसको इसके बिल्कुल करीब ले आऊंगा, एक छोटा सा कट्स पॉइंट, यानी कि इसको छोड़ दूंगा, ये देखें, जो मुझे सिर्फ दूर से मुझे नजर आ जाए यार ये इसका एक कट्स पॉइंट है, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर करेंगे कीबोर्ड से, क्योंकि मेरे पास मैंने जिस चीज के ऊपर लगाना है वो मेरे पास ये है, वो मेरे पास बेस ये है इसकी, मैंने इसकी बेस पे लगाना है. अब इधर से इधर मेरे पास जो फासला है वो है 18 इंच का, और मैं इसके मिडिल पे लगाना चाह रहा हूं. मैं कह रहा हूं मेरे पास ये जो 18 इंच का एरिया है इसके मिडिल पे रेलिंग लगती जाए चारों तरफ. तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, मुझे उसके लिए मिडिल पॉइंट चाहिए होगा इसका. तो मैं अब इसको एक लाइन ले लेता हूं यहां पे, जो कि 18 इंच की बाहर की जानब है, और आप इसको ऑफसेट दे दें वो कितना 9 9 है. क्योंकि अगर आप 9, अगर आप 18 को डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास 9 9 आ जाएगा, ठीक है. तो 2 करें डिवाइडेड बाय, तो आपके पास ये 9 9 आ जाएगा, ठीक है. तो आप इसको दे देनी. अब मैंने जो काम करना है वो मिडिल पे रखे करना है. अब यानी कि मिडिल को आप और फासले से काम बना दें, तो मैंने इसको बना दिया है, कंट्रोल एस कर देता हूं. सबसे पहला काम मैं यहां पर एक लेयर बनाना चाहूंगा, एल ए शॉर्टकट इसमें तो मैंने एंटर की है लेयर्स के लिए, क्योंकि अब तक आपको कंफर्म हो जाना चाहिए लेयर्स कैसे बनाते हैं. तो मैंने लेयर्स के लिए एल ए एंटर कर दिया और मैंने इसको रेल का नाम दे दिया यहाँ पे. अगर आप इसको कोई रेलिंग को कोई कलर देना चाह रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आपकी मर्जी है. तो मैं इसे कोई कलर देना चाहूंगा, मैं इसके लिए मोर कलर में जाऊंगा, मैं एक कलर इसके देख लेता हूं. तो मैंने इसके लिए लाइट कलर दे दिया है इसको, ठीक है. मैंने इसको ये कलर भी इसको एक दे दिया है, जो कि मेरे पास यहां से ये शेड कलर मेरे पास आ जाएगा. अच्छा, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, मुझे जो कलर चाहिए व्हाइट ही रहने दे, नहीं बहरहाल कोई भी कलर आपके पास आप कलेक्ट कर सकते हैं. मैंने एक कलेक्ट कर अपने पास एक कलर बना दिया. अब आप क्या करें, एक लाइन लगाएंगे सीधी सी,
जो कि आपके पास होगी 3 फिट्स की, क्योंकि अब मैं आपको रेलिंग का स्टाइल बनाना बता रहा हूँ, तो 3 फिट्स की आपके पास है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी एक लेसन के अंदर बताया था, 3D सरफेस के अंदर जब मैं रिवॉल्व सरफेस आपको करा रहा था, मैंने आपको रेलिंग का स्टाइल बनाना बताया था। तो आए स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम उसी स्टाइल्स को आगे लेकर चलते हैं। अब आप टॉप व्यू में चले जाएं। टॉप व्यू में जाने के बाद आप ऐसा करेंगे, अपने पास बाहर की जानब 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लें और यहां से भी बाहर की जानब 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लें और सीधी ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये स्टूडेंट सबसे इजी तरीका है रेल बनाने का, लेकिन साथ साथ जब हम आगे जाकर अपनी टेक्निक सीखेंगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा डिजाइनिंग कैसे की जाती है। मैं भी आपको सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, ट्रिम करने के बाद कोई भी एक सर्कल लगा दिया, ट्रिम कर दिया और मैं कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ, कॉपी करके इसको भी नीचे ले आता हूँ। देखिए मैंने ये शेप लगा डाली है। अब मैं इसको भी इधर से ट्रिम कर दूंगा और मैं इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ये इस चीज को भी, ठीक है। और ये एरिया भी मेरे पास ट्रिम हो जाएगा, ये एरिया मेरे पास ट्रिम हो गया। अब मैं एक अपने पास आर्क ले लेता हूँ, मैंने एक क्लिक इधर कर दिया है, दूसरा क्लिक पे नहीं, यहाँ देखिए, देखा। अब ये आर्क मुझे ऊपर की जानब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसे, मैं थोड़ा सा इसे पीछे ले चलता हूँ, मुझे मामूली सी पीछे की जानब चाहिए। बिल्कुल अपना डिजाइन आप पहले परफेक्ट करेंगे, अब आप इसे मिरर करें। इसके लिए सेंटर पॉइंट जो मैंने बनाया वो मैंने ये ले लिया है, देखिए मेरे पास ये डिजाइन इधर भी आ चुका है। इसी तरह से अब आप इसको अगेन मिरर करेंगे, MI आपने इसको मिरर किया है, ये आपके पास मिरर की ऑप्शन आ चुकी है। मैंने इसको उधर से डिलीट कर डाला यहां से। अब आप हल्की सी लाइन को बाहर लाएं, इसको बी ऑफ आर बाउंड्री लगा दें, मैंने आपको बाउंड्री का मेथड बताया हुआ है। बाउंड्री के अंदर जाने के बाद आप इसको क्लिक कर दें, इधर एंटर कर दें और कंट्रोल एस कर दें। अब आप सीधा 3D फॉर्मेट में चले जाएं, यानी 3D व्यू के अंदर आप चले गए हैं, आपके पास ये शेप बनी हुई है। आपने जस्ट करना क्या है, आप ड्रॉ के अंदर जाना है, आपने आप सरफेस के अंदर जाएंगे और उसके बाद आप रिवॉल्व सरफेस उठा लेंगे अपने पास। अब आप बोलेंगे इस चीज को रिवॉल्व कर दो इस पॉइंट के लिए 0 से 360 तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आपका डिजाइन रेडी, आपके पास आपका डिजाइन बना हुआ आ चुका है ये। अब आपने करना क्या है, इस चीज को सिलेक्ट कर देना है इस डिजाइन को, और इसको आपने लेयर के अंदर डाल देना है जिस लेयर के लिए आपने बनाया था। मैंने इसको लेयर के अंदर भी डाल दिया। अब यहां से अगेन आप मॉडिफाइड का चूज करोगे, तो मैंने मॉडिफाइड का चूज किया इस जगह से, अगेन मॉडिफाइड के अंदर गया, मैं 3D ऑपरेशन के अंदर गया, मैं रोटेट 3D के अंदर चला गया, मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है, एंटर किया। मैंने कहा आपका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है और इसको 90 पे ले जाओ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास 90 पे आ चुका है। अब आप इसको मूव कर दें बाहर की जानब, मैं इसको मूव कर गया हूँ और ये जो चीजें मुझे अब नहीं चाहिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाना मैंने आपको बताया हुआ है आपके 2D के लेसन में, आपका ये गालबन 7वां या 8वां लेसन होगा ब्लॉक का। तो आप ब्लॉक के अंदर चले जाए, मैं फिर चला जाता हूँ, इसमें मेक ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर दें। इसको सबसे पहले आप इसको कोई नाम दे दें, मैंने इसको रेलिंग का नाम दे दिया है या कोई भी इसे दे सकते हैं। इसको सिलेक्शन दे दें और एंटर कर दें। इसके सेंटर पॉइंट जो आपको देना होगा, याद रखिएगा वायर व्यू में जाने के बाद आप इसको बिल्कुल ये वाला, यही यहाँ पर लॉजिक है, आपने जो इसको सेंटर पॉइंट देना है वो इसके मिड पे ला के देना है। ओके कर दें आप इसे। अब देखें मेरे पास ये मेरा एक ब्लॉक बन चुका है जिसका मेरे पास एक ही पॉइंट है, अब आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर आ जाए, यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगाना है इस जगह के ऊपर। आपने करना क्या है, इसके लिए आप ड्रॉ के अंदर जाओगे, आप पॉइंट्स के अंदर जाएंगे, मैंने पॉइंट्स का आपको मेजरमेंट की ऑप्शन बताई हुई थी, बिल्कुल आप इसको सिलेक्ट करोगे, आप बी फॉर ब्लॉक, क्योंकि आप ब्लॉक चूज करने जा रहे हो ना। तो देखिए कहते हैं मुझे लेंथ ऑफ सेगमेंट्स बताओ आर ब्लॉक, तो मैंने इसको बी एंटर कर दिया ब्लॉक के लिए। ब्लॉक का नाम पूछ रहा है, मैंने इसको रेलिंग का नाम दे दिया है जो मैंने ब्लॉक का नाम रखा हुआ है। कह रहा है लाइन के साथ इसको मैं बनाऊं ब्लॉक्स को, यस इसी के साथ आपने लेकर चलने ऑब्जेक्ट्स को। और कितने सेक कितने आपसे ये लेंथ मांग रहा है, कहता है एक ब्लॉक से दूसरे के दरमियान में कितना फासला होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आपको देना है एक रेल से दूसरे के मिडिल का फासला, तो यहां पर मैं 1 फिट दे देता हूं, आपकी मर्जी आप इसे जितना दे दें। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने इसको 1 फिट दिया तो मेरे पास ये मेरी रेलिंग इसके ऊपर बनी हुई आ चुकी है। देखा आपने कितना आसान मेथड है, लेकिन जस्ट आपको तरीका आना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास बन गई है, अब मैं इसके ऊपर ड्रॉ करना चाह रहा हूं, अब इसके ऊपर जो इसका हैंडल आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने जो ये रेल बनाई थी, मैंने 1 इंच इसको एरिया दिया था, जब ये घुमा एक और एक कितना हो गया 2 इंच हो गया ना। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ 2.6 इंच की, यानी कि इससे थोड़ा सा बाहर आना चाह रहा हूँ। अब इधर मुख्तलिफ तरीके हैं, सबसे आसान जो तरीका है वो आप एक सर्कल ड्रॉ कर दें मिडल पे जाके, 2.6 इंच की लाइन लगाएं, ये देखें ये आपके पास इसके ऊपर हेड बन जाएगा। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, बी ऑफ आर बाउंड्री लगा दें इसे भी,
मैंने इसको भी बाउंड्री लगा दिया है यहाँ पे, मैं ड्रॉ के अंदर चला गया हूँ, मैं रोटेट के अंदर चला गया हूँ, सिलेक्शन दी है मैंने इसको, एक पॉइंट ये, दूसरा ये है, मैंने इसको भी 90 का एंगल दे दिया और मैं इसको मूव कर दूंगा। मूव कर देने के बाद मैं इधर आ गया, ठीक है। अब फिर से ई एक्स टी कर दें अपने कीबोर्ड से, पहला सिलेक्शन दें इसके हेड के ऊपर, एंटर कर दें, फिर पी से पाथ आ जाएगी आपके पास, पी एंटर कर दें, पाथ एक्टिव हो जाएगी और सिलेक्ट पाथ कर दें। जैसे मैं इसको पाथ दे दूंगा पिछले लेसन की तरह, तो आपके पास ये सीधा अपने पाथ के ऊपर ये निकल कर चला जाएगा। अब आपस से मैंने इसको मिलाना है। अब देखें स्टूडेंट्स, तमाम चीजें आपके पास पिछले वाले लेसन की रिपीट हो रही है, तो स्टूडेंट फेज के अंदर चले जाए। तो बेसिकली 3D के अंदर आपका कंसेप्ट चलता है, अगर आपके पास कंसेप्ट है काम करने का तो आप काम कर सकते हो, कमांड्स इसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। अच्छा, अब आप मूव करो इसे, मैं इसे एम इंटर कर देता हूँ मूव के लिए, सिलेक्शन दे दिया है, इंटर करने से एक पॉइंट देता हूँ। अभी जो मेरे पास रेल है ये 36 इंच ऊपर है, तो शिफ्ट एट द रेट, एक्स के अंदर कोई फंक्शन नहीं करना, तो लिहाजा मैंने पहली वैल्यू एक्स फिर कॉमा डाल दिया, यानी कि पहली वैल्यू मैंने जीरो दे दिया फिर कामा, वाई की वैल्यू मुझे वाई के भी फंक्शन कोई नहीं अप्लाई करना, इसलिए वाई को भी मैं जीरो दूंगा फिर कामा। अब जेड की वैल्यू, तो जेड के ऊपर मुझे वैल्यू 36 इंच ऊपर करनी है, या 3 फिट आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने 36 दे दिया, तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ चुकी है। अब आपने एक और इधर यहाँ पर छोटा सा काम करना है, वो क्या काम है आपका, आपने ये लाइन डिलीट कर दें, ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, और ये भी डिलीट कर दें। अब ये जो आपके पास रेल है इसको आप सिलेक्शन दें ओवरऑल, और आपको जारी सी बात है नीचे वाली लाइनें तो नहीं चाहिए होंगी। अब आप इसके पास चले जाएं। देखें स्टूडेंट्स, जब आप 3D के अंदर चलते जाएंगे आपके सिस्टम भी हैवी होता जाएगा हल्का फुल्का। तो ये मैंने शिफ्ट से अनसेलेक्ट कर दी है। अब आप क्या कर दें, इनको रेलिंग के अंदर लें, इन तमाम ऑप्शन को, ठीक है। अब ये तमाम चीजें आपके पास रेलिंग के अंदर आ चुकी हैं। मैं स्केप कर देता हूँ गेम, कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एक और रेलिंग चाहिए। अब क्योंकि इधर मेरे पास गैप आ रहा था, तो मैं सीधा इनजेड ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक बना हुआ है, ओके कर दूंगा, और आप इसे लाके गेम भी क्लिक कर दें। तो देखिए आपके पास आपकी ये रेलिंग भी बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पर आ चुकी है। तो अब आप बहरहाल गेम में आप इसे मूव करूंगा, तो हम चीजें सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं इसे वापस जाऊंगा नीचे, कुछ चीजें मुझको अनसेलेक्ट कर देनी है, क्योंकि मेरे पास अब ये जो लाइन है इसका मेरे पास कोई खास टारगेट नहीं है, कोई खास इसका मतलब नहीं है। तो आप इसको सिलेक्ट करके इसको आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लाइन आपके पास इधर नहीं होगी तो आप छत के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब आप एंटर करें और मूव के लिए पॉइंट जो आप बनाए तो ये बायर वाला बनाए। क्यों, मेरे पास ये बायर वाला पॉइंट है, ये मिड वाला पॉइंट है, और ये अंदर वाला एंड पॉइंट है। तो मैं बायर का एंड पॉइंट उठाऊंगा, क्लिक करें यहां पे, और सीधा अपने छत की तरफ बढ़ जाए आहिस्ता आहिस्ता से। देखें आपके पास 3D माउस होना चाहिए, व्हील का माउस जिसमें व्हील आपके पास होता है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता से जूम इन करते जाएं, और अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद आप अपने आप को जूम इन कर, ये देखें। अब आप इधर आ जाएं यहाँ पे, और इसके बिल्कुल इधर कॉर्नर, क्योंकि मैंने इस कॉर्नर से पिक किया था ना, तो इसी कॉर्नर पे लाके आप क्लिक कर दें। तो जब आप कॉर्नर टू कॉर्नर परफेक्ट चलेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स कंट्रोल एस कर दें। अब उम्मीद है अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो हमारी रेलिंग बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट आ गई। तो देखें बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, देखिए स्टूडेंट्स 100% परफेक्ट आई है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये काम खुद करेंगे, एक एक चीज से करेंगे, यानी कि एक एक रेल को आप लाएंगे, पहले तो लाना ही नामुमकिन है। अगर लाएंगे भी तो आपको एंगल्स का ख्याल रखना है, आपको टर्न्स पॉइंट्स का ख्याल रखना है, तो ऐसे बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनके ऊपर आप काम करते हुए इंशाल्लाह आसानी से इनके ऊपर आप सीख लेंगे। अब मैं आपको इसका व्यू ऐसे घुमा के दिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मेरा घर बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। अब हमारे पास जो व्यू आ रहा है इसका, देखें रेलिंग हमारे पास इधर आ गई है, ये देखें। अब मेरे पास इसके चारों तरफ रेलिंग लग चुकी है, तो मैंने इसको 3D से कुछ यहाँ तक बना डाला। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, अभी तो हमारे लेसन आगे मजीद कंटिन्यू है, ये तो अभी हमने जस्ट इसकी एक पार्ट को कम्प्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से इंशाल्लाह हम आगे चलते जाएंगे। आपको बस जरूरत इस बात की है, मसलसल आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस उतनी करें जितना मैं आपको एक लेसन देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप 10-10, 20-20 लेसन को आप एक ही टाइम पे देखते जाएं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03-14-50-14-268 पर, या आप हमें ई मेल कर सकते हैं xvacademy.com@ymail.com xvacademy@ymail.com। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको मजीद मालूम चाहिए तो प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xvacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन कराए जाते हैं। आखिर में
कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बुक हमने आपके लिए डिजाइन की है जो कि सीडी फॉर्म में है। आप अगर वो हमसे परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उस बुक पे मैंने आपके लिए मुख्तलिफ मैप की कलेक्शन बनाई है जिसमें 150 से ज्यादा मैप्स की कलेक्शन मौजूद है, क्योंकि आपके पास मैप्स होंगे तो आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेसन में, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।